राम मंदिर बन रहा है, खुशी है कि नहीं? अरे बहुत खुशी है, तब इस पे इससे बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता। बिहार में तो हमारा रोजगार ही नहीं मिल रहा, यूपी में रोजगार मिलेगा? मंदिर है, महावीर मंदिर से लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, आइसोलेशन मिलता है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है, जाइएगा दर्शन करने के लिए। जाएंगे, जाइएगा बिल्कुल। डबल ग्रेजुएशन करके इतना पढ़ लिख के रोड पर घूम रहे हैं पागल की तरह, जिसको नहीं बोलने का ढंग वो भी चार बात बोलता है। पूरे भारतवर्ष में सनातनियों का जो मतलब इंतजार था वो खत्म हो चुका है, मतलब 24 का इलेक्शन का जो चुनाव आने वाला है। तो कोरोना भी तो साथ में ही आ रहा है ना, इलेक्शन में कोरोना भी तो आ ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, बिहार ही नहीं पूरा देश में ठंड का मौसम है, और दूसरी तरफ राम मंदिर को उद्घाटन को लेकर दर्शकों में काफी उत्साहित है, और त्योहार की तरह इसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी हम उपस्थित है पटना जंक्शन में, यहाँ पे लोग देख सकते हैं काफी संख्या में है। इनसे जानेंगे कि राम मंदिर को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस नजरिए से देखते हैं। कहाँ घर हुआ भैया आपका? आ रहा। राम मंदिर बन रहा है, खुशी है कि नहीं? अरे बहुत खुशी है, तब इस पे इससे बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए ना, हिंदू मुस्लिम का बात सब नेता लोग करते हैं। हम सनातनी है, राम मंदिर का सपोर्ट करते हैं। एकदम मकसद से राम मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा पेश किया गया है। पॉलिटिकल एजेंडा 400 साल से पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, आज पॉलिटिकल एजेंडा होने वाला है, क्या कहिए? हमको मोदी चाहिए, नीतीश है। हाँ, उससे पूछेंगे कि डबल ग्रेजुएशन करके रोड पर घूम रहे हैं, राम मंदिर से कहा होगा हमारा? उनका लेके भोजन चाटवे हम, जब पेट में अन रही तब ना राम मंदिर के हम पूजा कर रहे हैं। तो रोजगार मंदिर दे रहा है ना, वहाँ बन रहा है तो करीब 10 बजे। हम बिहार का है, बिहार में तो हमारा रोजगार ही नहीं मिल रहा, यूपी में हमारा रोजगार मिलेगा? महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर से लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, आइसोलेशन मिलता है, देख लीजिए आइसोलेशन सबको बात है। आइसोलेशन का उपयोग करिएगा, आइसोलेशन मिलेगा, लेकिन रोजगार मिल रहा है कि नहीं? मंदिर अगर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भैया, फूल बेच रहे हैं लोग, प्रसाद। सरकार से हम यही निवेदन करी थी, तू हितवन के कहो कि अगर शिक्षा देत है तो बढ़िया से नौकरी चाकरी लगाओ, दारू बोलिए चालू करवा दे बिहार में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दारू से एकदम खुश है ना, ये चलते थे। कितने सरकार घाटा में जा रहा है सर, आपको फायदा भी तो है। क्या फायदा है? कला देखने को मिलता था, वो कम गया है। नहीं ना सर, आप कैसे कह रहे हैं सर कि कला मिल रहा है जो देखने के लिए, ऐसे भी तो मिल ही रहा है, बाकी रहा है। अनुपात में जिस अनुपात में पीते थे उस अनुपात में नहीं ना पी रहे हैं। अब आओ बेकार ना हो गया, पहले आदमी पीते थे तो 20 साल जीता था, अब पी रहा है बोन फिक्स स्माइल, अब 10 साल में मर जा रहा है, तो कौन फायदा? कहाँ से कहाँ चल गया मंदिर साहब, लेके चल गए। ये मंदिर है महावीर मंदिर, से कैंसर का इलाज किया जाता है, कहीं मंदिर का तो बात है। जब रोजगार दे रहा है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनेगा तो वो भी रोजगार का केंद्र बनेगा। अब केंद्र बनेगा ना, इसको बहुत लोग बिजनेस समझ लिया मंदिर में। अब ये मंदिर है तो मान के चलिए कुछ आदमी आगे सही है, कुछ आदमी बेकार है। क्या है मंदिर के एसपी सर के साथ कुणाल जो सर है उन्हीं के साथ ही रहते हैं। राम मंदिर को लेकर कितना खुश है? बहुत खुश है, जो सनातनियों का इंतजार। अरे बहुत खुश है, श्री राम का उसी बड़ा भक्त है, और अच्छा है सब जगह खुले। लेकिन कुछ लोग उसको पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बनी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी से इसको लोग जोड़ रहे हैं। बीजेपी अपने बिजनेस के चलते राम मंदिर खोला, लेकिन श्रद्धालु उसके लिए नहीं ना खोले है, श्रद्धालु पूजा करने के चलते खोल रहा है। अच्छा, मतलब 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है, जाइएगा दर्शन करने के लिए। जाएंगे, जाइए बिल्कुल। राम मंदिर 500 साल का इंतजार था, तो इस इंतजार को आप खत्म करने में विमर्श न्यूज है, चंद कुछ दिन है, कुछ ही दिन है, क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कौशी ना फुलेंद्र भैया। चलिए भैया, क्या कहिए? हम तो सरकार से ही गुजारिश करेंगे सर, मेरा बात सुनिए, हम राम मंदिर को नहीं मानते हैं ना कोई मंदिर को, हम सरकार से ही गुजारिश कर रहे हैं कि डबल ग्रेजुएशन करके ओला क्यों चला रहे हैं हम, बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? पूरे रात बोल ही रहे हैं, तेजस्वी क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी चलाओ, नहीं तेजस्वी क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी एसी में रह रहा है, हम रोड पे रह रहे हैं, नेता लोग सब रो रहे हैं, एसी में पैक है। आप वहीं के बात करके सत्ता में आए ना कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार एक साथ, युवाओं का रोजगार मिल कहाँ रहा है? मिलता तो ओला चलाते। आप ही बताइए भैया, डबल ग्रेजुएशन करके इतना पढ़ लिख के रोड पर घूम रहे हैं पागल की तरह,
जिसको नहीं बोलने का ढंग वो भी चार बात बोलता है। नौकरी लो, सत्ता में लाए हैं तेजस्वी यादव रोजगार की, उसको ला के तो और मैं पछता रहा हूँ। कैसे पछता रहे है? तो मेरा आरजेडी, मैं भी आरजेडी का प्रोडक्ट हूँ, मगर फिर भी सर पछता रहा है आदमी। कहाँ मिल रहा है रोजगार? तो रोजगार दे रहे हैं ना भैया, कहाँ दे रहा है? मिलता तो सर, बिहार पुलिस में भी निकाले, बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलता है, इतना धांधली होता है? पढ़ेगा लिखेगा तब ना निकलेगा, यहाँ पे 24 घंटा दौड़ा दौड़ा कर रहा है और लूटो के साथ बढ़ रहा है। चलिए चाचा, राम मंदिर को लेकर क्या कहिएगा? हम नहीं कुछ कर सकते। क्या कहिएगा भैया राम मंदिर? हम नहीं सुन रहे हैं कि क्या कहिएगा राम मंदिर? बहुत खुशी का बात है, राम मंदिर बन रहा है, इससे खुशी का कौन सा बात हो सकता है? खुशी का बात है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार देना होगा। राम मंदिर तो धार्मिक स्थान है, बहुत अच्छा चीज है, जो नहीं हुआ था वो बीजेपी आके कर दिया है, जो काम कभी नहीं हुआ है वो बीजेपी किया है। इस राम मंदिर के मोहर पे बीजेपी को 2024 में फिर सत्ता में ले लाइएगा? ये तो आने वाले बीजेपी तो अभी टाइम है, बीजेपी पूरा आएगा 24 में। 20 मुद्दा पे लाइएगा, रोजगार तो दिए नहीं, सिलेंडर 300-400 कर दिए है, हटा दिए ना जी, हटा गए ना। आप 24 की गारंटी लीजिए कि 40-40 सीट आएगा बीजेपी के बिहार में। हाँ, ये क्या गारंटी दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो हम सर्वे करने नहीं गए हैं। राम मंदिर जो उद्घाटन होगा, 500 वर्षों से इंतजार था, ना जाने कितने लोग उसमें कुर्बानियां दिए, वो इंतजार का घड़ी खत्म होगा, क्या फायदा होने वाला? बहुत अच्छा है, बन गया ना, बन और जो भी काम है बाकी हो रहा है पूरा और होगा, और बिहार में बीजेपी आएगा इसका आपको गारंटी दे रहे हैं 24 में काली ठोक के। लेकिन बिहार का चुनाव 25 में है, मैंने जो भी है आएगा बीजेपी, मतलब केंद्र में देखिएगा बीजेपी। मुद्दा है राम मंदिर, कुछ भी है। 300 साल का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, 22 जनवरी को मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। खुशी किस बात की है और फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला? फायदा ये होने वाला है कि उतना दिन से सब लफड़ा ही हो रहा था, अब जाके सही हुआ है, अब तो वहाँ तो सब पब्लिक लोग पहुँचेंगे ही। रोजगार का मुद्दा बोलता है कि बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दिया है, रोजगार कहाँ दिया है? दूसरी तरफ आप राम मंदिर को लेकर खुशी भी दिख रहे हैं। राम मंदिर के लेकर के तो खुश है, अब रोजगार बीच में आ रहा है तो रोजगार कहाँ है? सब तो महंगाई है, रोजगार तो पीछे रह गया। मतलब 24 का इलेक्शन का जो चुनाव आने वाला है तो कोरोना भी तो साथ में ही आ रहा है ना, इलेक्शन में कोरोना भी तो आ ही रहा है। कोरोना छोड़िए, मतलब रोजगार के मुद्दा पे वोट दीजिएगा कि राम मंदिर के मुद्दा पे वोट दीजिएगा, और किसको सरकार मिलाइएगा 24 में? अब सरकार पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोले? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है बहुत खुशी की खबर है, हिंदुओं के लिए मतलब एक आस्था है, और पूरे भारतवर्ष में सनातनियों का जो मतलब इंतजार था वो खत्म हो चुका है। इंतजार खत्म होने से क्या होगा? रोजगार के मुद्दे पे लोग सरकार को घेर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जॉब लग ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो राम, अब जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से रोजगार जो है 2-3% लोगों को मिल सकता है, सबके बस की बात नहीं है रोजगार। सरकार इतना पैसा का खर्च जो है राम मंदिर पर किया जा रहा है, उतना पैसा का खर्चा अगर जो शिक्षा पर किया जाता, रोजगार पर किया जाता, तो इससे भलाई होता? या तो राम मंदिर बन रहा है उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे सर लोगों का आस्था था और 500 वर्ष जो पुराना मुद्दा था वो टल गया, और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है। बताया जाता है कि भारत की जो संस्कृति है राम मंदिर से है, और वो जो संस्कृति है पूरा होने वाला है, जो सभ्यता है भारत का वो पूरा होने वाला है। हाँ, पूरा हो गया है, 22 जनवरी को इंतजार था और हम लोग जाएंगे, और इससे खुशी की खबर, इससे बढ़िया खुशी की खबर क्या हो सकती है। चलिए, तो पटना जंक्शन पे उपस्थित लोग थे जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया और साथ में कहा कि राम मंदिर जो है भारत की धरोहर है और भारत की पहचान सनातन से होती है, या इसलिए सनातन को देवता, जो देवी देवता है उनका मंदिर बन रहा है, ये तो खुशी की बात है। और रहा बात रोजगार की, तो राम मंदिर कहीं ना कहीं जहां बनाई जा रही वहां पे हजारों हजार की संख्या में रोजगार देगी, क्योंकि आप ही समझिए अगर जहां पे महावीर मंदिर पीछे दिख रहा है, इस मंदिर से भी ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और ना जाने कितने लोग यहाँ पे
भूखा नहीं रहना पड़ता है और बहुत से लोग जो है यहाँ पे खाना भी मतलब दान करते हैं। और बता दे कि राम के नाम पर से जो है महावीर मंदिर के नाम पर से दो रसोईया चल रहा है, जो एगो सीतामढ़ी में है और दूसरा जो है अयोध्या में सीता रसोई चल रहा है। बाकी बात वीडियो का प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।